हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। तो आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो रोज़ाना फॉलो कर रहा है हमारे चैनल को, तो आज हम ज़रा इसकी सेटिंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। रोज़ाना तो हम डायरेक्ट गेम खेल लेते हैं, सेटिंग में बस ये सिंपल सी सेटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, अब इसके इधर इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे गेम डिज़ाइनर, लेवल डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, प्रोग्राम, VFX, स्टोरी, UI वगैरह जिस जिसने लिखा है उन सब के बारे में है, जिसने बनाया है। ठीक हो गया। और चैलेंजेस जो है वो इसमें नहीं खुलते अभी, पता नहीं क्या है, कब खुलेंगे, अलग अपडेट भी आई है पर नहीं खुल रहे। ठीक है, और बाकी स्किल्स के ऊपर आ जाते हैं। यार मैंने ना सब कुछ अपग्रेड करा हुआ है, यानी कि हमारा जो राशि है वो फुल अपग्रेड है। तो भाई तो फुल पप्पू अच्छा हुआ है हमारा, सिर्फ रिश्ते की रिश्ता दरकार है बेचारे के लिए, बाकी सब सेट है ना उसकी ज़िंदगी में। तो ये था रोज़ाना, हम बस डायरेक्ट लेवल्स आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा आपको वैसे भी दिखा देते हैं। बाकी ये भी इसमें कोई ऑप्शन है, ये पता नहीं क्या है, मेरे भी अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा। किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। ये मेरे ख्याल में ऑनलाइन परचेस करने वगैरह का होगा शायद, क्योंकि शॉप तो इसमें अलग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी शॉप है, यहाँ से हम ले सकते हैं डायमंड्स के अंदर, और इसके जो गेम के दौरान जो हमें कॉइन मिलते हैं उसके ज़रिए हम इसके अंदर से शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लिया हुआ भी है एक, जो स्टैचू जब बनता है ना ये, उस वक्त का इमोट एक मैंने लिया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो है ना, ये हमने लिया हुआ है। तो बस यही बस कुछ फंक्शन थे इस गेम के, तो मैंने सोचा कि मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। अब चलते हैं लेवल की तरफ। अच्छा, ये इसके स्टेज है, ये इसका सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है सॉरी, जो हम अभी कवर कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट स्टेज है। और इसके अंदर 21 लेवल्स हैं, तो इसमें एक बॉस लेवल आती है, फिर ये स्टेज 2 है, फिर ये सारी स्टेज 2 की लेवल्स हैं। ठीक है, इसमें भी एक बॉस लेवल है, वो हम अभी आगे कवर करेंगे। फिर ये स्टेज 3 है। अच्छा, ये जो गेम था यहाँ स्टेज 3 तक था बस, स्टेज 4 जो है ये अभी इसी लास्ट वीक में ही आया है। जो मैंने आपको कहा था ना कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई है, अगर कोई ये गेम खेल भी रहा है तो उसको अपडेट कर लो, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट आई है। बाकी ये प्ले स्टोर पे चल लेते हैं तो देख लेते हैं इसकी डाउनलोड्स वगैरह कितनी है। 10 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोड है, कितने MB का ये है, इसकी रेटिंग क्या है, ये सब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम रोज़ाना इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते, हम डायरेक्ट लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने सोचा आज इसको भी लाजमी कवर करना है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शॉट शेयर कर देता हूँ, इसके अंदर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ सकते हो, सारी पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, ये देखो आप, September 29, 2022 अभी लास्ट अपडेट आई है, मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों को जो बता रहा हूँ। तो बस अभी अपडेट करने के बाद हम फर्स्ट टाइम ही खेलेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। 1 से लेके 5 तक की एक वीडियो बना दी थी मैंने, और 6 से लेके 8 तक की एक वीडियो बना दी थी, तो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज ये 9 से लेके 10 है, 9 और 10 है, तो इसको खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देख रहे हैं चैनल AI एक्सप्लेन, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और गेम इन्जॉय करें। तो जल्दी से हम यहाँ चेक पॉइंट कर लेते हैं। ऊपर बंदा है, इसको हमें मारना है, इसकी गोली से बचना है हमें। इसको मार दिया, ऊपर हमें स्टार मिल रहा है, स्टार लेना पड़ेगा क्योंकि हमें लेवल 3 स्टार के साथ कंप्लीट करनी है। जो स्क्वायर है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट आया है, अभी फर्स्ट टाइम आया है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ 9 लेवल के अंदर ही आया है। इसका काम मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। यहाँ ये सीक्रेट हिडन रूम है, इसको ऑन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अंदर बंदा होगा एज यूजल, जैसे कि होता ही है, छुपा हुआ होता है, और थोड़े बहुत ये पेटियाँ मिल जाएंगी, इनको खोलेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। अब क्या करना है, अब हमारे को ऊपर चलना है, और ये जो भी इसकी टांग फंसी है ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है, आगे होता रहेगा, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आया तो इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ हम नीचे आएंगे, नीचे से हम की लेंगे क्योंकि ऊपर डोर था और डोर बंद था। ठीक है, उसकी हमने की ले ली, अब ये की लेके हम चलेंगे। अच्छा गाइस, एक और बात मैं आपको बताऊँ, आज जुम्मा है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, मैं नमाज़ पढ़ कर आ चुका हूँ। तो बस छोटी सी अपडेट देनी थी। और हाँ, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी था, जो पाकिस्तान जीत चुका है 21 रन से, तो उसके लिए भी मुबारक हो, दो मुबारकबाद आपको मिल जाएंगी एक साथ AI एक्सप्लेन में। चलो अब गेट खोलते हैं और आगे चलते हैं। इसको भी हमने मार दिया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जल्दी से ऊपर, यहाँ दो बंदे आ रहे हैं, इनको बड़ा तरह देख के मारना पड़ा क्योंकि बीच में उन्होंने ट्रैप लगाया हुआ है, अगर ट्रैप में पाँव फंसा तो दूसरा हमें मार देगा, इसलिए हमने इनको उछल उछल के मारा बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट वर्किट चल रहा है, देख रहे हो चिंगारियाँ विंगारियाँ निकल रही हैं, तो ज़रा बच कर हम चेक पॉइंट कर लेते हैं यहाँ। अरे दोनों कहाँ खड़े हुए हैं, ये उल्टम टम्बू करके खड़े हुए थे दोनों भाई साहब। चलो जल्दी से अब यहाँ से अपन
ऊपर चल लेते हैं जल्दी से। हमारा जो राशि भाई है ना, असल में कोई ज़्यादा मासूम है। मैंने उसको कहा था ऊपर जंप लगाने का, वो समझा कि सीधा ऊपर जाना है ना, मरना है, तो बेचारा मर गया। बस इतनी सी बात थी। चलो खैर हो गई, एक ही दफ़ा अभी तो एक चांस ही गया, हमारे पास चार चांस अभी भी बचे हुए हैं। ये हाथ देख रहे हो, ख़तरनाक ख़तरनाक, ये भी काटे ही हैं समझो। इसको भी मार देते हैं, गंदा अंदा था हमारे पे। आगे चलते हैं, चेक पॉइंट करते हैं, नीचे भी बंदा होगा जरा बचकर। यहाँ हिडन रूम भी है सामने, हिडन रूम को भी खोल लेते हैं। ये बढ़िया था गुरु। तो हमने हिडन रूम को खोल भी लिया, उसको मार भी दिया एक सेकंड के अंदर, उसको पता भी नहीं चला। और साथ में हम खुद भी मर गए, सबको पता चल गया। खैर जल्दी से इस लेवल को करते हैं, लेवल ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये लेवल 9 है अभी तो, लेवल 10 भी कवर करनी है। ये यहाँ से कांटे ज़मीन से उगते रहेंगे, तो ज़रा बच बच के चलना पड़ेगा। आप लोगों को भी ये चीज़ देख लो, जहन में रख लो। और ये देखो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा होशियार होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, बिला वजह पावर को यूज़ करना। खैर ये बिल्कुल सही टाइम पे यूज़ किया था हमने। अब जल्दी से इस लेवल को भी क्लियर करना है, तो बचते बचाते कांटों से उछलते उछलाते चलते। यहाँ हमें ये सामने से बर्फ़ फेंक रहा है, ये अगर ये हमें लग जाती है अगर ये गोली, तो हम बर्फ़ से जम जाते हैं। इन दोनों को भी मार दिया। अब अगेन चेक पॉइंट कर लेते हैं, सामने फिर एक हिडन रूम है, इसको खोल लेते हैं। और यहाँ हमारे को हमारे 3 स्टार भी मिल गए, तो इसका मतलब हमारी लेवल जल्दी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ बॉम्ब है, ज़रा बच के अभी ऊपर नीचे आने वाले कांटों से बचना है हमारे को। जल्दी जल्दी बचते हैं इन कांटों से। तो ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा, लगता है इसमें पोयो ऑयल की कमी है, इसमें पोयो ऑयल डालना पड़ेगा। हम चलते हैं, फिर कभी पोयो ऑयल डाल देंगे इसमें। फिलहाल जल्दी जल्दी इनको करते हैं, ताकि लेवल तो कंप्लीट हो हमारी। अभी तक 9 लेवल भी कंप्लीट नहीं हुई है, और यहाँ साथ ही साथ हमारी 9 लेवल भी हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको 9 लेवल? 10 की तरफ चलते हैं, चले 10 की तरफ। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमारी शुरू हो गई है 10वीं लेवल, दोबारा से बर्फ़ वाली आ चुकी है। एक दफ़ा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अगर नहीं देखी तो पिछली लेवलों में जाके देख सकते हो, पीछे की जो गेम प्ले वीडियोस थी उसमें जाके देख सकते हो। हमने यही किया था, बर्फ़ वाली लेवल थी, अब ये सेकेंड टाइम आई है। तो इस बर्फ़ वाली लेवल में बेसिकली होता क्या है कि हमें इन सब चीज़ों से भी बचना पड़ता है, और साथ में हमें बर्फ़ से भी बचना पड़ता है। बर्फ़ हमें जमा देती है। मैंने पहले आपको मरकी भी दिखाया, तो मैं दोबारा अपनी लाइफ इसमें ख़राब नहीं करूँगा। यहाँ से हम की ले लेते हैं ऊपर, फिर एक और लॉक है, उस लॉक को खोलने के लिए, गेट को खोलने के लिए हमें की ज़रूरी है, इस वजह से हमने की ले ली है। ऊपर चलते हैं, देख रहे हो ये हमारी ब्लू फील्ड चल रही है ना, ये है बर्फ़, ये देख रहे हो फील्ड जाती जा रही है। तो ये जो है ये हमें फुल रखनी है। फुल कैसे होगी? ये होगी गर्मी में आके, आग के पास आकर गर्म होगी। हमारा जो आराशी भाई साहब हैं वो ज़रा बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। बस यही है, तो ज़रा हमें इसको गर्म भी रखना है और साथ में लेवल को भी खेलते रहना है। यहाँ से हमने चेक पॉइंट कर लिया। यहाँ जो दो मटके रखे हुए हैं, दो वास रखे हुए हैं, दो पोर्ट्स हैं, इसके अंदर हमें एक लाइफ भी मिल जाएगी। तो हमारे पास अब एक एक्स्ट्रा लाइफ भी हो चुकी है, मुबारक हो। और आप लोगों ने आज एक बात तो नोट ही नहीं करी, अभी तक इस लेवल में भाई की एक भी दफ़ा आउट नहीं हुआ है। 5 लाइफ मिलती है, हम 6 लेके घूम रहे हैं। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। अच्छा यहाँ इन पोर्ट्स के अंदर भी बम है, खोल के देख लेते हैं। वैसे बम है इनमें, देखा मैं कह रहा हूँ बम है, मानते नहीं हो तुम लोग। नीचे से इस तलवार वाले बंदे को भी मारते हैं। अब हमें यहाँ हर दफ़ा आग में भी रुकना पड़ेगा ना, हर दफ़ा आग में रुकना तो लाजमी हो गया। अब चलो अब ये सही है, अब ये जो ये अंदर का हिस्सा आया है, तो इसमें ज़रा वो जमने का ख़तरा नहीं होगा। यहाँ एक और बम निकल गया है भाई, और अभी तक हमारे को स्टार खाली एक ही मिला है, दूसरा स्टार भी नहीं मिला। तो दूसरा स्टार भी ढूंढते हैं, दूसरे स्टार के ढूंढने के चक्कर में हमारे राशि भाई को दिन में तारे नज़र आ चुके हैं। जल्दी 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 जंप लगाते हैं ऊपर, आई थिंक स्टार भी होगा। यस सेकंड स्टार मिल चुका है, अभी भी हमारे को थर्ड स्टार नहीं मिला है।
तो 30 स्टार पता नहीं कितनी दूर मिलेगा ये। यहाँ चाचा ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, इनसे भी ज़रा बचना होता। अभी हमारी एक आ गई ये लिफ्ट, इस लिफ्ट से बचते बचाते हमें जाना होगा ऊपर। ऊपर गन वाला बंदा, इसको भी मार दिया, शेर के मुंह से भी बचना है। यहाँ वापड ऑफिस खुला हुआ है, बिजली लगी हुई, इससे भी बचना है। और हम सबसे बचते बचाते आ भी गए, वाह। अब ऊपर ये ब्लेड लटक रहा है बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह, इससे हमें बचना है। यहाँ हमने इसकी मुंडी भी लटका दी है बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह। तो हमें इन सबसे बचते बचाते ऊपर चलना है और आग से वापसी गर्म होना है। तो ये लास्ट बंदा, इसको जल्दी से मार लेते हैं। यहाँ पुल गिर रहा है, जल्दी से इस पुल पर भागते हैं और लेवल को करते हैं कंप्लीट। तो जी हाँ गाइस, ये हमारी लेवल 10 भी हो गई है कंप्लीट। यार पूरी लाइफ पे करा है तो इस वजह से तालियां तो बनती है ना। खैर इस वीडियो को यहीं पर ही रैपअप करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पिछली वीडियो भी देख लेना, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।